फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे ने मेरठ को विस्फोटक स्थिति में ला दिया है। अभी टेस्टिंग ही औसतन करीब 300 प्रतिदिन हो पा रही है। इनमें भी रोजाना ही संक्रमितों का आंकड़ा दहाई के अंक को लगातार छू रहा है। बीते दिवस मेरठ के 3 लोगों की कोरोना ने जान ले ली, जबकि मेरठ मेडिकल कॉलेज में मरने वालों की संख्या 7 रही। 4 बाहरी जिलों के निवासी थे। इस बीच जिला प्रशासन स्तर पर अव्वल दर्जे की लापरवाही भी सामने आ रही है। शहर में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां संक्रमित लोग पाए गए हैं, लेकिन उन जगहों को अभी तक भी सील नहीं किया गया। पूर्वा महावीर में कल 2 परिजन पॉजिटिव पाए गए, जबकि करीब 1 सप्ताह पूर्व इन्हीं का एक परिजन कोरोना संक्रमित हो गया था। यानी करीब 7 दिन बाद ही पूर्वा महावीर को सील नहीं किया गया। अभी भी उस गली में लोगों की आवाजाही बराबर बनी हुई है। आज इलाके को छोड़ संक्रमित घर को ही विभाग ने सैनिटाइज कर इतिश्री कर ली। इसके अलावा कंकड़खेड़ा, शिवलोकपुरी में भी आवाजाही है, ये इलाके अभी सील नहीं किए गए। मेरठ जिले की यदि बात करें तो यहाँ रोजाना ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रोजाना ही 10 से 15 तक संक्रमित सामने आ रहे हैं। इस तरह से मेरठ में संक्रमितों का आंकड़ा खबर लिखे जाने तक 473 हो चुका है, जबकि अभी आज की रिपोर्ट आना बाकी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच जिला प्रशासन पर शहर के बाजारों को खोलने का, व्यापार संघों का भी भारी दबाव है। इसे देखते हुए प्रशासन ने 9 जून से कुछ छूट बाजारों में देने की बात कही है। इस बीच आज सीएमओ की टीम ने साकेत स्थित धनवंतरी नर्सिंग होम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यूज्ड मास्क ही एमआरआई में यूज किए जा रहे हैं। इस पर टीम ने वहां स्टाफ को आड़े हाथ भी लिया। वापस पहुंचकर टीम ने सीएमओ को बताया कि इस तरह तो कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने टीम को लिखित रिपोर्ट देने के लिए कहा। उधर धनवंतरी के प्रबंधक विक्रम सिंह का कहना है कि यह रूटीन निरीक्षण था और जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं था। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।